बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आपको आज हमारी वीडियो के थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा कि हमने आज कौन से लैपटॉप कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि किस चीज़ का फेयरवेल है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो एप्पल ने अब बंद कर दिया है, जो अब दोबारा उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं। आपके सामने मशीन रखी है, यह है एप्पल 27 इंच iMac। iMac बेसिकली ऑल इन वन PCs होते हैं जिसके अंदर सब कुछ बिल्टन होता है, आपका CPU भी बिल्टन होता है, RAM, हार्ड ड्राइव, स्पीकर, वाईफाई, कैमरा, सब कुछ बिल्टन होता है। जैसे आप बाहर से एक्सटर्नली तौर के ऊपर इस पर कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ब्लूटूथ के थ्रू वायरलेस जो कीबोर्ड है एप्पल के वो भी, और थर्ड पार्टी कीबोर्ड है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। साइज़ के वाले से बात कर सकें तो 27 इंच इसका जो है स्क्रीन साइज़ है। उसके अलावा ये बॉर्डर है, यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह इसके लगे हुए होते हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा साइज़ बहुत ही अल्ट्रा स्लिम मशीन है, ये आप देख सकते हैं। साइड से आपको इसका अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी स्लिम मशीन है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड इसका पूरा का पूरा जो है वो सिल्वर कलर में। अच्छा, 27 इंच ये जो मॉडल आपके सामने रखा हुआ है, ये है 27 इंच का लेट 2013 का मॉडल है ये। एप्पल ने 27 इंच वाले जो हैं वो 2013 में भी, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक बनाए। 18 के बाद उन्होंने फिर इसमें फिर एक और वेरिएंट अपना इंट्रोड्यूस करवाया था, जो था iMac Pro। iMac Pro बेसिकली उसके अंदर Xeon सीरीज़ के 24 कोर तक के प्रोसेसर जो है उसके अंदर लगे हुए थे। इस मशीन के अंदर अगर हम प्रोडक्ट्स वगैरह के, इसकी पोर्ट्स वगैरह के हवाले से बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये इसकी जो है हेडफोन जैक है इस मशीन के अंदर, SD कार्ड की स्लॉट है, उसके अलावा 1, 2, 3, 4 USB पोर्ट्स हैं, प्लस 2 थंडरबोल्ट डिस्प्ले की पोर्ट है और ईथरनेट पोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया में तो इसका पावर ऑप्शन है, यहाँ पर पावर केबल अब इसकी लगती है, और यहाँ पर ऊपर से इसकी रैम एक्सटर्नली तौर के ऊपर अपग्रेड हो सकती है, और यहाँ पर इसकी जो है हीट ट्रांसमिट के लिए इन्होंने ये डक बनाई हुई है। सिंपल सी मशीन है, पीछे बैक एप्पल का लोगो है। मशीन को ऑन करके हम अगर हम इसके इंटरनल की बात करें और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें वो भी आपको बताते हैं। मशीन अभी ऑन हो गई है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉडल है ये एप्पल की सीरीज़ का, अंडर आप समझ लें कि 120-125K के अंदर बजट के अंदर जिन्होंने वीडियो रेंडरिंग 4K वगैरह की करनी है, या HD 60 फ्रेम पर सेकेंड या 90 फ्रेम पर सेकेंड की वीडियो की रेंडरिंग करनी है वो आप कर सकते हैं इस मशीन के ऊपर। मैक OS कैटलिना चलाता है तो आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वो चलाएगा। उसके अलावा आप पासवर्ड हम इसको डाल के आपको अंदर की स्पेसिफिकेशन बता दें। अंदर की स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं, 27 इंच इसका इसका डिस्प्ले कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास है। स्पेसिफिकेशन फोटोशॉप वगैरह हमने उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अबाउट दिस मैक में हम जाके इसके स्पेसिफिकेशन बताएंगे। 27 इंच लेट 2013, 3.5 GHz क्वाड कोर i7 प्रोसेसर है इसमें। उसके अलावा 16 GB LPDDR3 रैम है, 32 GB तक रैम सपोर्ट करती है मशीन, आप लगा सकते हैं। उसके अलावा NVIDIA GeForce GTX 775M 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, सीरियल नंबर वगैरह है। डिस्प्ले की बात करें तो 2560x1440 2K रेजोल्यूशन इसकी है डिस्प्ले की। स्टोरेज देखें तो 1.12 TB फ्यूजन ड्राइव लगी है। फ्यूजन ड्राइव बेसिकली 128 GB एप्पल की फ्लैश स्टोरेज और 1 TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव को आप मर्ज करके जो ड्राइव बनती है उसको फ्यूजन ड्राइव कहते हैं। इसकी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी जो है वो एज अ SSD के तौर के ऊपर ही ये शो करती है। मेमोरी की बात करें तो 8 GB के 2 वेरियंट इसके अंदर मौजूद हैं, मॉड्यूल लगे हुए हैं 8 GB 8 GB, तो 2 स्लॉट्स इसके अवेलेबल हैं, आप 32 GB ईजिली कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के हवाले से रेंडरिंग, वीडियो रेंडरिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह, ऐप डेवलपमेंट वगैरह, हर हवाले से बहुत ही जानदार मशीन है। 27 इंच की है पूरी की पूरी, आप देखेंगे इसका बाकायदा साइज़ भी ये मेंशन कर रहा है, 27 इंच है इसके स्क्रीन साइज़ है। लोग हमसे यूजुअली तौर के ऊपर इस मशीन की डिमांड करते हैं क्योंकि ये i7 एक तो मॉडल है, प्लस उसके अलावा 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आपके बहुत सारे काम जो मौजूदा आपको मशीन है, जो लेटेस्ट मशीन है बंदा करेगा लेने जाते हैं, तो आप एप्पल के iMac अगर आप लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं ऊपर के मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो आपको 120-125K के अराउंड ये मशीन मिलती है, और प्लस जो है आपकी जो है ये मशीन जो है परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। 27 इंच है, हमारी वीडियो का जो मेन बताने का मकसद ये भी था कि 27 इंच ये साइज़ की जो मशीन है ये एप्पल ने अब 2021-22 से ये मशीन बंद कर दी है। अब ये मशीन जो है वो एप्पल लॉन्च नहीं करेगा। अब जो भी iMac जो एप्पल के आने वो यूजुअली तौर के ऊपर 24 इंच के अंदर ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारी फ्यूचर जितनी भी वीडियोज़ आ सकें उसकी नोटिफिकेशन आपको आते रहे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।